गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। कंजर्वेशन मीन्स बेटा, कंजर्वेशन मीन्स बचाना। कैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को बचा सकते हैं? देखा आपने टाइगर वगैरह, टाइगर है और लायन है, पिकॉक है, ये सब हमारे कंट्री से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहली एंड बूझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टिबू। दे वर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट। अदर चिल्ड्रेन इन द क्लास वर आल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। अंडरलाइन दिस लाइन, भरतपुर सेंचुरी। सम अदर एंड हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकैचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा। तो वॉट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व? क्या मतलब है इन सबको बनाने का? डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। अब ये तो अभी हमने एनिमल की प्रोटेक्शन की बात की कि ये सब सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इसलिए बनाया जा रहा है कि हम इनमें क्या प्रोटेक्ट कर सके एनिमल्स को जो डेंजर्ड है, ख़त्म हो गए हैं, डेंजर्ड हैं, ख़त्म होने की खतरे के निशान पर हैं, इनडेंजर्ड हैं, और जो इनडेंजर्ड और जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको हम बचा सकें। क्लियर हो गई? डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को काटना। एंड इट्स कॉजेस, इसके कॉज क्या है? एक ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। ये जो प्रजाति विलुप्त हो रही है, इनडेंजर्ड हो रही है, ख़त्म होने की कगार पर है, एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उसका कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का ख़त्म होना। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। अंडरलाइन दिस लाइन, डिफॉरेस्टेशन means clearing of forest, forest को ख़त्म करना and using that land for other purpose. In the forest are cut for the some of the purpose mentioned below. क्यों? Procuring land for cultivation. ठीक है, cultivate, खेती, building houses and factories, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। क्लियर हो गई मेरी बात? हमें क्या करना है? पेड़ पौधों को ख़त्म कर देना है जिससे कल्टीवेशन कर सकें वहाँ पर, उतनी जगह पर, और बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्री, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवर ड्राउट। ड्राउट मीन सूखा पड़ना, फॉरेस्ट फायर माने जंगल में आग लग जाना। एक्टिविटी 7.1 एट मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन योर लिस्ट एंड क्लासीफाइड दम इंटू नेचुरल एंड मैन मेड। मनुष्य क्यों काट रहा है फॉरेस्ट? क्योंकि उसको लैंड चाहिए। किसके लिए? घर बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, और क्या चाहिए? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है, और रास्ते, पक्के रास्ते बनाने के लिए चाहिए। और वो इसके कॉन्सिक्वेंस नहीं जान रहा कि क्या होगा आगे,
और जो नेचुरल कॉज क्या हो गया डिफॉरेस्टेशन का, फॉरेस्ट फायर आग लग जाना या फिर ड्राउट सूखा पड़ जाना। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की क्या कॉन्सिक्वेंस है, पहली एंड बूझे रिकॉल दैट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज देयर टेम्परेचर। आपको पता है अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा एटमॉस्फेयर का, पॉल्यूशन लेवल भी अर्थ पर बढ़ने लगा है। जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो हम लोग गैस एक्सहेल करें कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कोई लेने वाला है ही नहीं, तो क्या हो गया एटमॉस्फेयर में क्या किसका चैम्बर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का चैम्बर बन गया। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर, जो पानी जो है नीचे वो नीचे चला जा रहा है। दे नोट दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, दे वर टोल्ड बाई प्रोफेसर एमर दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। अगर बारिश जो होगी वो कैसे होगी, पेड़ पौधे क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं, अगर वही कट हो गए तो रेनफॉल भी कम होगी और सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि सारी ज़मीन तो पक्की होती चली जा रही है, मिट्टी बच ही नहीं रही है। मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड ड्राउट, जिससे क्या ज़्यादा होने लगे हैं, प्राकृतिक आपदाएँ आने लगी। जैसे फ्लड माने क्या होने लगा है, फ्लड माने क्या होता है, बाढ़ आने लगी, और ड्राउट में सूखा पड़ने लगा। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, फ्यूअर ट्रीज कुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड क्या होने लगा अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या होने लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रे रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, और जिससे ये जो होती है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं उसको लेने के लिए कोई भी नहीं है, पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तो ये क्या हो जाती है, एक्युमुलेट करने लगी है, और ये जो सन की रेजेज आती है इनको अपने में सारा एब्जॉर्ब करने ले रही है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर हो गई, और इससे डिस्टर्ब क्या हो रहा है, वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है, और इससे किसकी समस्या आ रही है, ड्राउट में सूखे की भी समस्या आ रही है। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाई प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। ठीक है, सॉइल क्या प्रिवेंट करती है, सॉइल इरोजन। ठीक है, अगर फ्यूअर ट्री लेफ्ट हैं तो सॉइल इरोजन कैसे, ऊपर की परत तो बहती चली जा रही है, बारिश हो रही है, सारा पानी बहता चला जा रहा है, मिट्टी है ही नहीं सोखने के लिए। ठीक है, दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल, द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इंटू डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। अंडरलाइन करो, ठीक है, भूमि क्या हो रही है, बंजर होती चली जा रही है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू ए डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल, द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉयल सरफेस इनटू द ग्राउंड, वाटर का ग्राउंड में पहुंचना इन्फ्लेट्रेशन कहलाता है, वो भी रिड्यूस हो गया है, जिससे क्या होगा, फ्लड आने लगा है, बाढ़ आने लगी है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर आल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो बेटा अंडरलाइन दिस लाइन कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो इफ़ यू लाइक माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।